अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद असलम कोकर और आप देख रहे हैं इन्फो स्टोरी। हम इस वक्त मौजूद हैं मरी की तरफ जो रास्ता जाता है छत्तर पार का ये इलाका। यहां पर अल नदवा एक लाइब्रेरी है जो कि 40 साल पुरानी है और एशिया की बड़ी लाइब्रेरी कहा जाता है इसको, क्योंकि इस यहां पर जो सहूलियात हैं उस हवाले से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा यहाँ पर बुक के जो नुस्खे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो लोग पढ़ने आते हैं उनको न सिर्फ बुक्स की तरफ रसाई है बल्कि उनको रिहाइश, उनका खाना, उनकी लॉन्ड्री और तमाम तरह जो सहूलियात है वो यहाँ पे फ्री दी जाती है। ये तकरीबन जो है वो 3 से 4 कनाल पर मुश्तमिल है, 5 इसके हिस्से हैं जहाँ पर बुक्स जो है वो रखी गई हैं। आइए इस नायाब लाइब्रेरी की आपको मुकम्मल सैर करवाते हैं। जो सीढ़ियां हैं इससे आप नीचे जाती हैं और सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ यहाँ से देख लें कि ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं उनके लिए, अगर अब सर्दियों का मौसम है तो ये नीचे बैठकर जो ये लोग हैं वो वहां से पढ़ रहे हैं, उनके लिए तकिए भी रखे गए हैं, उनके लिए चेयर है, टेबल्स है, उनका एहतमाम किया गया है। और ये पूरी जो है वो बिल्डिंग है, यहाँ पे ऊपर रिहायशिंग की है, नीचे लाइब्रेरी है और रिहायश है, ये लाइब्रेरी का एक हिस्सा है। आइए आपको लाइब्रेरी के अंदर की जो सैर कराते हैं। जरीर लाइब्रेरी के हमारे साथ मौजूद है उमर साहब जो यहाँ पे लाइब्रेरियन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आप कैसे हैं? लाइब्रेरी में जो भी साथी हैं जी वो सबसे पहले ये विजिटर रजिस्टर है, यहाँ पे अपना नाम इंदराज वगैरह करवाना पड़ता है जो रोजाना की बुनियाद पे आते हैं, और जिन्होंने रिहाइश रखनी हो उसके लिए अलग एक फॉर्म होता है वो फिल करवाना। यहाँ से फतावाजात रखे हुए हैं सब इकट्ठे हमने रखे हैं, इसमें फतावा कासमिया इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के 2-3 नुस्खे, फतावा रिजविया आलमगीरिया, ये सारी कानून के मुतल्लिका किताबें रखी हैं। हमने ज़िली तकसीम किया हुआ है, वहाँ से शुरू होती है फिका हनफी शाफी मालकी हम्बली और ये फिका जाफरिया, ये देख लें यहाँ से अलग ऊपर मेंशन भी किया हुआ है हम लोगों ने जी। ये फिका उल आम है जी, तमाम मजाहब जो उनकी इकट्ठी रखी हुई हैं फिका की किताबें, और उस तरफ उसूल फिका की किताबें लगी हैं वो पहली 2 जो अलमारियाँ, ठीक है। और इस तरफ आएँ तो ये जो आप दीवार देख रहे हैं अगर आप यहाँ से दिखाएं तो ये सारी अकायद से मुतल्लिका किताबें रखी हुई हैं, ये सारी अकीदा के मुतल्लिका किताबें हैं और इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब की भी किताबें मज़ाहिब आलम पे, जैसे कि ये है अल तलमूद अल बाबली के नाम से, ये भी हमने बाहर से मंगवाई थी लाइब्रेरी के लिए, तो ये यहूदियों की है, उनके कवानीन लिखे होंगे इसके बारे में। लाइब्रेरी की 2 पोर्शन है, स्टडी की 2 जगह हैं, ये भी है और एक नीचे वाले हाल में भी है, हर हाल में अलग अलग रखी हैं जहाँ पे पढ़ने में सहूलियत है। ये मुनाजरे से मुतल्लिका किताबें हैं और ये 1000 के करीब हमारे पास इसकी तादाद है। ये कादियानियों की किताबें हैं। अच्छा उमर साहब, कादियानियों के हवाले से तो बुक्स का जो हसूल है बहुत मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, ये हमारे लाइब्रेरी के जरिए कॉन्टेक्ट होते हैं जी, तो उनसे एक साहब थे वो इस चीज़ पर काम कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे रह के मंगवाई थी सारी किताबें, और ये रद्द कादियानियों के हैं जो हमारे उलमा ने लिखी हैं जी, इसमें खत्म नबूवत वालों ने काम किया है एहतसाब कादियानी के हवाले से, पीर मेर अली शाह साहब की सैफ चिश्ताई के नाम से ये किताब है। ये जी तसव्वुफ की सारी जो मशहूर तसानीफ है वो सारी हैं, जिसमें मकतूबात इमाम रब्बानी से शुरू होती है हमारी किताबें। इसका जो पुराना नुस्खा है इस किताब का वो भी हमारे पास है, मसनवी के हमारे पास 8 शुरूआत हैं मसनवी शरीफ की, ये हाशिए वाला नुस्खा है मसनवी का। इसी तरह ये उर्दू वाला है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह काजी सज्जाद हुसैन साहब ने इसके तर्जुमा किया जी, ये इसी तरह इंग्लिश में भी है फारसी में भी है और 8 इसकी शुरुआत हैं। इस तरह मलफूजात हकीम उल उम्मत साहब रहमतुल्लाह अलैह, अशरफ अली थानवी साहब की किताबें रखी हैं सारी, और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की, इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की अल फतुहात मक्किया जी। अभी नीचे जा रहे हैं जी मातुरिदी हाल में, ठीक है। 3 मौजूआत हैं, तफसीर की किताबें हैं, हदीस की हैं और सीरत की हैं, तो यहाँ से किताबें शुरू होती हैं। ये कुरान मजीद के मतन हैं और इसी तरह नीचे कुरान मजीद के तराजम हैं, मुख्तलिफ ज़बानों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तर्जुमे हैं, कश्मीरी ज़बान में भी है, पुश्तों में भी है, मंजूम तर्जुमा है कुरान सुनो समझाए, इस तरह सराइकी ज़बान में भी है, और ये फ़ारसी तर्जुमा है और इब्रानी ज़बान में भी। किराअत के मुतालिक ये सारी किताबें जो आप ऊपर भी देख सकते हैं, ये सारी शेल्फों में मिली किताबें, तफसीर शुरू हो जाती है, ये पूरा सेक्शन जो आप देख रहे हैं चुकते में ये सारी तफसीर है। ये भी बता दें यहाँ पे तकिया वगैरह भी लगा हुआ है, जिस तरह कोई जिसको सहूलत हो वो यहाँ पे बैठ के टेक लगा के पढ़ सकता है। अच्छा यहाँ पे होती है
तो उनके लिए लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहती है जी। और वैसे लाइब्रेरी रात सुबह 9 बजे ओपन हो जाती है और रात 10 बजे तक ओपन होती है। हदीस शरीफ का सेक्शन शुरू हो जाता है जी, अस्मा और रिजाल और उलूमुल हदीस और उसूलुल हदीस की किताबें, ये जो आप देख रहे हैं ये सारी रखी हैं, ये सारी बुखारी शरीफ की शुरुआत है। इसी तरह आगे चलते जाएं तो सिहाह सित्ता की जितनी भी किताबें हैं वो रखी हैं ज़हरुल बासिम के नाम से जी। इस किताब की खासियत ये है जी कि इसका एक कलमी नुस्खा मुफ्ती साहब ने बाहर से मंगवाया था जी, वो पूरी दुनिया में एक ही था जी, बाहर मुल्क लाइब्रेरी से मंगवाया था। और इधर एहसन अब्दुल शकूर साहब ने यहाँ पे मुफ्ती साहब की ज़ेर निगरानी रह के ये काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है और ये किताब दारुस्सलाम से छप चुकी है। और इस तरह ये किताब अल-ज़हरुल बासिम जो है ये महफूज़ सीरत पे ये नकूश हैं, रसाइल हैं जो रसूल नंबर के नाम से, ये भी हमारे पास मुकम्मल है। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये सीरत सहाबा पे जी, ये सारा ये अकीदे में मज़ाहिब आलम पे किताबें हैं। तो इसी तरह ये भी एक है यहूद अल-नसरानिया के मुतालिक किताबें, ये सिखिज़्म पे किताबें अच्छा जी सुखमनी साहब और ये कुछ किताबें हैं सिख के मेंबर जी जी, ये देखिए गुरु ग्रंथ साहब की किताब है जी, उनके जो है मजहब की किताब है उस हवाले से और जो उनके उधर पढ़ाई जाती है जी, बाबा गुरु नानक की जो किताब है ठीक है। और ये सिख सुखमनी साहब, ये भी सिख साहब जी, ये भी सिखों की किताब है और ये मजाहब आलम पे किताब है जी। सर्दियों में हमने जो मुताले के लिए आते हैं स्टूडेंट उनके लिए बाहर धूप में इंतजाम किया हुआ मुताले के लिए, तो ये टेबल भी हैं, बस हमने कालीन भी चाहिए जहाँ कंफर्टेबल होकर वो मुताला करना चाहें। ये रूमी हाल है, इसमें सबसे पहले तारीख की किताबें हमने रखी हैं, तारीख तबरी है, अलबदाया वल नहाया, इबन कसीर, इबन खुलदून और इसी तरह वो सलीबी जंगों का इंसाइक्लोपीडिया है, मदीना मुनव्वरा की तारीख अलग रखी है, मक्का मुकरमा की अलग रखी है, सल्तनत उस्मानिया पे है, बरसग़ीर की तारीख है, यहाँ तक यहाँ से शुरू हो जाए तो ये तारीख़ फ़रिश्ता है, आयन अकबरी है, तारीख़ हिंदुस्तान है, ये तारीख फ़रिश्ता, आयन अकबरी, तारीख हिंदुस्तान, ये सारी किताबें बरसग़ीर के मुतलक हैं। उनकी ये अहले तशीय हज़रात जो उनकी जो उलमा है उनकी सवाने खलग रखी हैं जी। ये वैसे उर्दू अदब का सेक्शन शुरू होता है, इसमें तहकीक, तसनीफ और लुगत, शायरी, मकतूबात, टिप के हवाले से ये सारी किताबें हमने छोटे छोटे ज़ेलू मौजूआत में तकसीम करके अलग रखी है। ये हम लाइब्रेरी के जो चौथा हाल है हसनी हाल के नाम से, जो हमारी लाइब्रेरी का सबसे पहला हाल है, ये हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी का जहाँ से शुरू हुई थी, तो वो आपको हाल दिखाते हैं। बड़ा खूबसूरत से आपने मेंटेन भी किया हुआ चीज़ों को जी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बागबानी वगैरह सारा रखा हुआ, जो मुख्तलिफ किस्म के पौधे, ये हसनी हाल है, ये हसनी हाल जी। अब हम हसनी हाल में जो है वो दाखिल हो रहे हैं, ये भी नीचे ही हमें जाना पड़ता है सीढ़ियों पे जी। जी बस सर का ख्याल रखिए, फारसी अदब के मुतलक किताबें शुरू हो जाती हैं। ये तीन अलमारियाँ फारसी अदब के मुतलक, कुछ डिक्शनरीज हैं और यहाँ से अरबी अदब शुरू हो जाता है। अरबी अदब में सर्फ नफ की किताबें कुछ रखी हैं, या आगे आ जाएँ तो दीवान हैं, कुछ लुगात हैं जैसे ताजुल उरूस वगैरह, मौजम अल बुल्दान की कुछ किताबें हैं, जोग्राफिया से मुतलक किताबें हैं, तो ये सारा अरबी अदब का सेक्शन है। फ़लसफ़ा व मंतिक की किताबें जी, ये जो आप किताबें देख रहे हैं ये नई किताबें आती हैं, ये जो बग़ैर इंदराज के हैं वो यहाँ पर रखते हैं, इकट्ठी करते हैं, फिर इनके छोटे छोटे आर्जी मौजूआत बना देते हैं, जैसे वो आप सामने देख रहे हैं अरबी अदब, तारीख, इस तरह छोटे छोटे मौजूआत बना देते हैं, फिर इनको कैटलाग करके, इनकी क्लासिफिकेशन करके, टाइपिंग करके दो शेल्फों में लगा देते हैं। रसाइल की कलेक्शन है, जो हमारे पास माहनामा रसाइल आते हैं उनको हम बाइंडिंग कर देते हैं, तो ये एक मुआरिफ रिसाला है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मुकम्मल है, 1916 से छपा है तो अभी तक आ रहा है जी, जा रही है। इसी तरह अलवली है और अबुल कलाम आज़ाद की अल हिलाल है जी, रिसाला 1913-14 का है जी हमारे पास, ये भी मुकम्मल है। ये हाफ रोज़ा तौहीद इंडिया से छपता था जी, ये 1928 का है जी हमारे पास, इसकी भी काफ़ी सारे हमारे पास शुमार हैं इसके। उस वक्त शहाब के नाम के हफ्त रोज़ा भी हैं, शुमारा निकलता था ये लाहौर से। सर ये 64 साल रिकॉर्ड है, रिसाला है, तालीमुल कुरान रावलपिंडी से शाया होता था। ये खाने का उनका जो हाल है, जो यहाँ पे लोग आते हैं जहाँ उनको खाना दिया जाता है, तो अब हम उसमें मेंटर होंगे और आपको दिखाएंगे कि जो लोग यहाँ पे पढ़ते हैं या रहते हैं तो उनको खाना दिया जाता है। तो ये मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद सामने बैठे हुए जो है वो खाने के टेबल पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है खाना, ये वो स्टूडेंट है जो यहाँ पे रहते हैं और उनके लिए जो खाने का जो है वो ताम का पूरा एहतमाम किया जाता है।
इंतजाम होता है वो यहाँ पे किया जाता है, खाने का पूरा खास ख्याल रखा जाता है जो लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए। मेरा नाम सादुल्ला है एंड बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट शांगला सौद, और इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी से मैंने LLB शेरला की है। तो मेरे कुछ टेस्ट की प्रिपरेशन थी, उस सिलसिले में या आया हूँ इस लाइब्रेरी। मेरा नाम हाफिज़ अमीनुल्लाह है, बाजौड़ से आया हूँ और मैं PhD का स्टूडेंट हूँ अब्दुल खान यूनिवर्सिटी से, और अपने थीसिस के सिलसिले में आया हूँ यहाँ पे। मेरा ताल्लुक ज़िला जंग की तहसील शोरकोट से है और मैं पंजाब कॉलेज शोरकोट में लेक्चरर हूँ, और यहाँ पर मैं अपने MPhil की रिसर्च के लिए आया हूँ थीसिस के लिए, और इसी तरीके से कुछ रिसर्च आर्टिकल्स मुकम्मल करने हैं तो उनकी तकमील के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर आने में कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर जस्ट कॉल करके पहले अपनी सीट रिजर्व करवा लें और उसके बाद फिर यहाँ पर आके एक परफॉर्मा फिल करना पड़ता है, और उसमें अपना CNIC और मुख्तलिफ चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो पूरी करनी होती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जो बुक हमें चाहिए होती है तो ये लाइब्रेरियन यहाँ पर मौजूद हैं, वो मुकम्मल तआवुन करते हैं और तमाम बुक हमें जो है वो मुहैया कर देते हैं और हमारी टेबल तक वो बुक पहुँचा देते हैं। और अगर बिलफर्ज़ कोई ऐसी बुक हो जो यहाँ पर मौजूद ना हो लेकिन अगर वो इंटरनेट पर PDF की शक्ल में मौजूद हो तो वहाँ से डाउनलोड करके ये हमें कॉपी करके दे देते हैं। इसी तरीके से अगर इंटरनेट पर तो नहीं है लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल है तो ये वो बुक वहाँ से ख़रीद कर ला कर हमें मुताले के लिए फ्री में देते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी सहूलियात हैं, खाना पीना सब चीज़ें यहाँ पर फ्री हैं। लाइब्रेरी के जो बानी हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद खान साहब हैं, लाइब्रेरी को बने हुए 25 साल हो गए, और उसके अलावा लाइब्रेरी में जो आने वाले हैं उनको रिहाइश दी जाती है, खाना पीना होता है, लॉन्ड्री का इंतज़ाम वगैरह होता है, उनके लिए जिम की सहूलियात हैं, और लाइब्रेरी उनके लिए 24 घंटे खुली रहती है। और उसके अलावा शोभा बाइंडिंग है, कोई किताबें उनको जो यहाँ से ना अवेलेबल हों तो उनको किताबें प्रिंट करके भी दी जाती हैं और PDF की सहूलियात भी दी जाती हैं। उसके अलावा अगर कुछ उनको गाइडलाइंस चाहिए हो तो हमारे पास शोभा तहकीक के 10 उलमा मौजूद होते हैं, दारुल इफ्ता भी मौजूद है। लाइब्रेरी में हर मौजूआत पर हमारे पास किताबें हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब पे भी हैं, और जो बड़े मौजूआत हैं उसमें तफसीर है, हदीस है, फ़िक्का है, और तसव्वुफ़ और अकीदे पे हमारे पास किताबें हैं, इसी तरह तारीख़ पे है, समाने पे, उर्दू अदब पे। ये जो मौजूआत आपको मैंने बताए इस पर बहुत बड़ी कलेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी और मौजूआत हैं, फ़लसफ़ा और मंतिक हैं, अरबी अदब है, उस पर भी हमारे पास किताबों की कुल तदाद जो है वो 1 लाख के करीब है जी, 1 लाख के लगभग है, और जो जिनका इंदराज हो चुका है वो 40,000 किताबों का इंदराज हो चुका है, यानी कंप्यूटराइज कैटलागिंग हो चुकी है, अभी मज़ीद भी इस पर काम जारी है, नई नई किताबें आती हैं वो भी इंदराज में शामिल होती रहती हैं। हमारे पास ऐसे कलमी नुस्खे मौजूद हैं जी, हमारे पास 700 साल 600 साल पहले के हैं, तो उनकी फ़ोटोकॉपीज़ हैं। और जो अगर आप किताब की बात कर लें, कोई ऐसी पुरानी किताबें वो 100 साल 150 साल बल्कि इस तरह 162 साल पुराना भी हमारे पास एक कदीम कुरान मजीद का भी नुस्खा है, मौलाना अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का। इसी तरह जो मख्तूतात हैं उस पर हमारे यहाँ काम होता है, मख्तूतात बहुत पुराने हैं, अगरचे उनकी फ़ोटोकॉपी है हमारे पास लेकिन ये है कि वो 700-800 साल पहले गए हैं, और जिन मख्तूतात पे काम नहीं हुआ होता पहले उस पर हमारे यहाँ उलमा इस पर काम करते हैं। सर ये अभी हमारा शोभा बाइंडिंग है जी, यहाँ पे हमारी किताबें जिल्दबंदी होती हैं, यहाँ पे किताबों की बाइंडिंग वगैरह रखी जाती है, और ये मशीनें किताबों की कटिंग की जाती है यहाँ पर। इसके अलावा ये 3 फ़ोटोकॉपी की मशीनें हैं जी, लाइब्रेरी में किसी को भी अगर कोई प्रिंट वगैरह चाहिए हो या मुफ्ती साहब को तो हम यहाँ से इसको कमांड देते हैं जी, प्रिंट वगैरह निकालते हैं, कलर प्रिंट भी निकलते हैं और ब्लैक एंड वाइट भी। ये हमारे इंस्टीट्यूट में जो है जिम है, जो मतलब बच्चों के लिए मुस्ताब में एक कंपलसरी है कि बच्चे जितने भी हैं हमारे वो एटलीस्ट इस तरह की फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, और उसके अलावा जो आसपास के लोग हैं जो यहाँ पर मतलब रिहायशी हैं उनको भी फ्री है बिल्कुल, वो यहाँ आ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और यहाँ पर जो लाइब्रेरी में लोग आते हैं जो